नमस्कार, जीवन राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जितेंद्र। खबर मकराना उपखंड क्षेत्र के गांव गच्छीपुरा से है, जहां आज ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ रही चोरियों की वारदात से ग्रामीण खफा है। हालांकि ग्रामीणों ने एक माह पूर्व भी चोरियों की बढ़ती वारदात को लेकर घेराव किया था, जिस पर पुलिस ने आश्वासन दिया था, लेकिन उस आश्वासन पर पुलिस खरी नहीं उतर पाई। जिसके बाद आज शनिवार को फिर MDS यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश गोदारा के नेतृत्व में ग्रामीणों ने थाने का घेराव कर दिया। वहीं मकराना विधायक रूपाराम मुरावतिया को सूचना मिलते ही वे भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि पुलिस की टैगलाइन अपराधियों में डर तथा आमजन में विश्वास है, लेकिन पुलिस की कार्यशैली इसके बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने जमकर पुलिस प्रशासन को आड़े हाथ लिया। वहीं MDS यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष लोकेश गोदारे ने कहा कि चोरियों की वारदात का पुलिस ने शीघ्र ही खुलासा नहीं करती है तो उग्र धरना प्रदर्शन व आंदोलन किया जाएगा। वहीं सूचना मिलने पर डेगाना पुलिस उपाधीक्षक नमिता खोकर मौके पर पहुंची। काफी देर तक पुलिस उपाधीक्षक एवं ग्रामीणों के मध्य चोरी की वारदातों को लेकर गर्मागर्मी बहस हुई। इसके बाद ग्रामीणों को आश्वस्त करते हुए कहा कि 7 दिनों के अंदर चोरियों की वारदातों का खुलासा कर दिया जाएगा। वहीं थाना अधिकारी अब्दुल रऊफ ने बताया कि चोरियों की वारदातों का खुलासा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस को काफी हद तक सफलता भी मिल रही है। ये धरना सुबह 11 बजे शुरू हुआ, जो शाम 5 बजे तक पुलिस उपाधीक्षक के आश्वासन के बाद समाप्त हुआ। गच्छीपुरा से निम्बाराम काला की रिपोर्ट। 5-6 महीनों से अभी मैंने थानेदार जी को पूछा है, पिछले 5-6 महीनों से इस इलाके में चोरों का दबदबा है, चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है और चोरियां का सिलसिला जारी है। अभी मैंने आपसे 2 मिनट पहले इनसे पूछा कि अब तक कितनी चोरियां हुई, कितनी बरामद हुई और कितने मुलजिम पकड़े गए, उस पर इनका जवाब शून्य है। 7 चोरियाँ बता रहे हैं, 7 चोरियों में से अभी तक एक भी चोरी की बरामदगी नहीं हुई। मुलजिम एक अप्रत्यक्ष रूप से कहीं दूसरे थाने में पकड़ा गया ऐसा बता रहे हैं थानेदार जी, लेकिन ये जनता का आक्रोश है कि हर आदमी भयभीत है, चोरों का मनोबल बढ़ा हुआ है, कहीं चोरियां हो जाती है उस पर संयोग माने या इनकी निष्क्रियता माने, हम तो यही कहेंगे। जनता के आदमी में ये एक विश्वास नहीं है इनके प्रति, इसलिए आज कोई धरना दे रहे हैं। इस वक्त दिवाली का त्यौहार है, दशहरा है, खेती का जबरदस्त काम चल रहा है, उसके बावजूद भी हमको मजबूरन आज गच्छीपुरा थाना के खिलाफ में ये जो धरना दिया जा रहा है वो मजबूरी है हमारी। मैं इनसे कह रहा हूँ कि भाई हमारी कोई व्यक्तिगत नाराजगी नहीं, लेकिन ये तो एक बहुत ज़्यादा इंतजाम मतलब बहुत ज़्यादा बात हो गई कि 7 चोरियों में एक भी नहीं पकड़ा जाए। 1 महीने पहले हम आए थे, लगभग 1-1.5 महीने पहले, उस वक्त 21 को, तो आज वापस 1-4 दिन हो गए। 3 मोटरसाइकिलें रिकवर हुई, 7 में 3 मोटरसाइकिलें रिकवर हुई है, तो मोटरसाइकिल सही तो 7 मुकदमे हैं, 10 है वो अलग है, वो नहीं इसके सही। मोटरसाइकिल बरामद हुई, लेकिन जैसे सोना चांदी है, किसी की खिड़की टूटी है, किसी की अलमारी टूटी है, इसमें मैं आप सब मीडिया वालों को भी बहुत बड़ी एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप भी इस बात को जोर शोर से उछालें कि आम आदमी सुरक्षित नहीं, आपका विश्वास पुलिस में होना चाहिए। आज यहाँ की ये स्थिति हो रही है, आमजन तो दुखी है, और जो यहाँ दलाल मिलने वाले हैं और जो मतलब जो एक संदिग्ध पर्सन है उनसे आपकी मुलाकात बढ़ रही है। आपके थाने में साफ लिखा, क्या लिखा है, आमजन में विश्वास, अपराधियों में डर, हो गया उल्टा गया। इसी बात को लेकर हम सब इकट्ठे हुए हैं और जो धरना दिया है उसमें अगर बड़े सक्षम अधिकारी आगे संतुष्ट पर जवाब नहीं देंगे तो हम यहाँ टेंट लगा के भूख हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। इसमें हम सब का एक सहमति है हमारी, इसलिए हमारा फिर एक बार पुलिस प्रशासन नागौर जिले से और IG साहब से भी हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी इसमें इंटरफेयर कीजिए, आप रुचि लीजिए, अपने सक्षम अधिकारियों को जो भी है फटकार पिलाइए या उनको कहिए जल्दी से जल्दी चोरों को पकड़े। हेलो,
मैं तो यही कहूँगा, एक महीना पहले जब हमने धरना प्रदर्शन किया था तो यहाँ से 5 दिन का हमारे से टाइम मांगा गया था, 5 दिन में हम अपराधियों को मतलब गिरफ्तार कर लेंगे और जो बरामदगी पेश कर देंगे। उसके अंदर उन्होंने 2-3 के नाम लिख रखे हैं और ना तो उसको यहाँ तक गिरफ्तार करा है। अब उसी चीज़ को बार बार रिपीट कर रहे हैं। मैं तो आपके मीडिया के माध्यम से जो अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री है अशोक गहलोत और गृह मंत्री भी है, उनको मैं स्पष्ट शब्दों में ये चीज़ कहना चाहता हूँ कि वो अपने मतलब आला अधिकारियों से बात करके जो भी ये थानों की जो अपने अपने कांग्रेस पार्टी के जो एजेंट है और उनको एक तरह का दलाल भी कह सकते, जो छोटे छोटे क्षेत्रों में आम जन के लोगों को मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी करना पड़ता है। जब आप चुनावों में सभाएं करते हैं तो आप चीज़ बड़े नारे देते हैं किसान गरीब दलित की, मतलब हम सहायता करेंगे उनका चीज़ में करेंगे, सबसे ज़्यादा आज किसान गरीब दलित सबसे ज़्यादा परेशान है। तो इन चीज़ों के आप जब तक यहाँ का खुलासा नहीं होगा, आम जन सब जन यहाँ बैठे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आएंगे, जब तक हम नहीं उठेंगे तब तक हम संतुष्ट नहीं होते, या जो जो मुजरिम है उनको यहाँ पेश करके बरामदगी नहीं करते, हम यहाँ धरना देंगे, भूख हड़ताल करेंगे। लोकेश वगैरह छात्र छात्र संगठन एम डी एस भाई, हमारे विधानसभा में मोटरसाइकिलें चोरी हुई है और नकदी और हेलमेट भी चोरी हुए हैं। मोटरसाइकिलें जो के थे अरेस्ट किए थे, इसके अलावा कल दिन में भी चोरी हुई है जो जसवंतपुरा के पास कोई ढाणी है, जुड़ाऊ ढाणी वहाँ पे गई है। परसों मोह का एक बंदे का एक कट्टा गया, एक बंदे के 2 कट्टे गए, एक बंदे के 4 कट्टे गए, मोह जो खेत में से ये चोरी हुई है। और इसके अलावा नकदी ऑर्नामेंट्स ये पाली में ये है नवाना और खेड़ी मिला और ये पास में पाली का इसमें क्या है कि जो मोटरसाइकिल और मोबाइल जो छूटे थे तो उनके आधार पे जो मैंने ढूंढ भेजी थी और ये क्लियर हो गया कि मोबाइल किसका मोटरसाइकिल किसकी है। उनमें से एक पकड़ा गया टोडा थाने, तो उससे पूछताछ भी चल रही थी, वो पीसी पे चल रहा था इसलिए जो उसको ला नहीं पाए, लेकिन उससे जो क्या है कि प्रोटेक्शन वारंट से लेंगे और दस्तावेज हर सारी पूछताछ नोट वगैरह पैर कॉपी वगैरह वो लेके आ गए। यहाँ तक हम पहुँचे कि इन लोगों ने चोरी की है। आज छुट्टी है, कल छुट्टी, परसों छुट्टी।